जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले जा रहे मुकाबलों में अगर किसी खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा याद किया जा रहा है तो वो है रोहित शर्मा, क्योंकि टीम हमेशा से ही ओपनिंग साझेदारी को मिस करती नज़र आ रही है, फिर चाहे वो बात वनडे की हो या फिर टी20 की। अभी तक ओपनिंग साझेदारी वैसी नहीं देखने को मिली थी जैसे शिखर और रोहित की जोड़ी दिखाती थी। लेकिन दोस्तों, अब खुशखबरी की बात यह है कि रोहित शर्मा की वापसी का ऐलान होता नज़र आ रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और वो बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे। बता दें दोस्तों आपको पूरी जानकारी कि वो किस तारीख से और कैसे क्या जुड़ने का उनका सिलसिला रहेगा। रोहित का फिटनेस टेस्ट एनसीए के निदेशक राहुल द्रविड़ की देखरेख में हुआ। द्रविड़ को उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ऑस्ट्रेलिया सरकार के नियमों के तहत वे सिडनी 7 से 11 जनवरी और ब्रिस्बेन 15 जनवरी से 19 जनवरी में होने वाले आखिरी दो टेस्ट मैचों के लिए प्रैक्टिस करने से पहले 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगे। वह सिडनी के लिए उड़ान भरेंगे और वहीं एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से रोहित के चोट को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। बताते चले कि कप्तान विराट कोहली ने खुद इस मुद्दे पर स्पष्टता की कमी की बात कही थी, क्योंकि आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए लीग मैचेस के दौरान रोहित शर्मा को बाई हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। इसी चोट के कारण वे आईपीएल के 4 मैचों से बाहर रहे, जिससे कि सिलेक्शन यानी कि चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया, जिससे काफ़ी फैंस नाखुश नज़र आए कि अगर रोहित शर्मा आईपीएल के फाइनल और उससे एक मैच पहले खेले तो उनको टीम इंडिया के लिए क्यों नहीं चुना गया। लेकिन उनकी फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसी के साथ ही दोस्तों, भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने के बाद वह आईपीएल में अपनी टीम की कप्तानी करने के लिए फिर से मैदान पर उतरे, जिसके बाद बीसीसीआई ने 9 नवंबर को कहा था कि रोहित को सिर्फ सीमित ओवरों की टीम से बाहर रखा गया है ताकि वे टेस्ट सीरीज से पहले अपने फिटनेस को वापस हासिल कर सकें। सीमित ओवर प्रारूप में भारतीय टीम का यह उपकप्तान आईपीएल चैंपियन बनने के बाद यूएई से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मुंबई लौट आया। कोहली ने इसके बाद फिर कहा कि यह बात उनकी समझ से परे है कि रोहित ऑस्ट्रेलिया में रिहैबिलिटेशन क्यों नहीं कर रहे, जिसके बाद बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर बताया था कि वह अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई भी गए थे और साथ ही साथ उनकी फिटनेस को भी दोबारा से पाने के लिए वो मुंबई गए थे। तो वापसी हो रही है रोहित शर्मा की, जहां पर पहले टेस्ट मैच के बाद विराट कोहली भारत देश वापस आ जाएंगे। तो दूसरा टेस्ट मैच में कप्तानी कौन करेगा या कौन जिम्मेदारी संभालेगा ये तो निर्भर करेगा, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा टीम से जुड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन पर ही बड़ी दावेदारी रहेगी टीम को इकट्ठा करने की और उनको एक साथ आगे के मैच जिताने की। तैयार रहिए दोस्तों, रोमांचक होने वाला है मुकाबला। हर अपडेट आपको हमारे चैनल नेक्स्ट9 स्पोर्ट्स पर मिलने वाली है। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाए, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।